हेलो रिवान वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिटेल में स्टडी करेंगे मॉर्निंग सिकनेस के बारे में मॉर्निंग सिकनेस मतलब कि नोज़िया इन वॉमिटिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कि गर्भावस्था के दरमियान जो नोज़िया एंड वॉमिटिंग होते हैं तो वो होने के कारण क्या है किस तरह से उसका इलाज हो सकता है और उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं मतलब कि लक्षण क्या होते हैं तो वो सभी को हम सीखेंगे ये वीडियो लेक्चर के अंदर तो हम डिटेल में जानेंगे कि किस तरह से ट्रीटमेंट हो सकता है नोजिया एंड वॉमिटिंग का ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ़ फार्मर ऑग्स थैंक यू फॉर बी इन वन लेक फैमिली ऑफ फार्मर ऑग्स अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज़ एंड वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो फार्मारॉक्स का एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी तो अब समझिए यहाँ पे मॉर्निंग सिकनेस के बारे में तो मॉर्निंग सिकनेस इज ए कॉमन सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी एंड इट इज मार्क बाय नोज़िया एंड ओकेशनल वॉमिटिंग मतलब कि गर्भावस्था के दरमियान प्रेगनेंसी के दरमियान जो नोज़िया एंड वॉमिटिंग होते हैं कि सबसे पहले नोज़िया की कंडीसन फ़ील होती है कि जिसको हम कहते हैं जी मचलना और उसके बाद अचानक से आपको वॉमिटिंग होती है तो ये जो कंडीसन होती है उसको मेडिकल टर्म्स के अंदर कहा जाता है मॉर्निंग सिकनेस तो इट इज़ कॉल्ड ए मॉर्निंग सिकनेस बट इट कैन कोस डिसकम्फर्ट एट एनी टाइम ऑफ द डे कि इसको हम भले मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं बट ऐसा नहीं है कि उसके सिम्टम्स सिर्फ आपको मॉर्निंग में ही देखने को मिलते हैं बट वो किसी भी टाइम दिन में किसी भी टाइम डिसकम्फर्ट जो है वो कर सकता है आपके अंदर तो मॉर्निंग सिकनेस यूजली हैपन्स विद इन द फर्स्ट फॉर मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी एंड इट इज़ ऑ ऑफन फर्स्ट साइन दैट अ वूमन इज़ प्रेगनेंट तो प्रेगनेंसी के जो हम साइन एंड सिम्टम्स कहते हैं तो उसके अंदर ये कॉमन सिम्टम बनता है मॉर्निंग सिकनेस और ये एक फर्स्ट साइन कही जाती है कि जब कोई प्रेग्नेंट है तो उसका एक फर्स्ट साइन और कोई सिम्टम जो कहे तो डैट इज़ ए मॉर्निंग सिकनेस तो मॉर्निंग सिकनेस क्यों होता है वो अब जानते हैं तो सबसे पहले तो ये है कि दॉज ऑफ नोज़िया एंड वॉमिटिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज़ नॉट कम्प्लीटली अंडरस्टूड बट उसके कुछ रीजन्स हम जानते हैं कि किसके कारण ये कंडीशन हो सकती है तो सबसे पहले जो बात आती है दैट इज़ कि हॉर्मोन्स के अंदर जो चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान तो उसके कारण भी नोज़िया एंड वॉमिटिंग होते हैं तो ये वाले सेंटेंस पे आप ध्यान रखिए कि जिसके अंदर लिखा है कि कि प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रॉपिन हार्मोन की जिसको शॉर्ट में एच कहते हैं तो एच का प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट होता है कि जब प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव होती है तो जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं आपके बॉडी के अंदर तो उसके कारण एक नॉजिया एंड वॉमिटिंग जो है वो होते हैं कॉमनली रिफर टू एज ए प्रेगनेंसी हार्मोन एंड दिस इज द हार्मोन दैट द बॉडी to टू प्रोड्यूस वंस द egg एग to टू द यूटेराइन लाइनिंग ये जो फर्टिलाइज एग यहाँ पे आप ये देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि ये जब ये यूटेराइन के लाइनिंग कि आपका जो यूटेरस होता है गर्भाशय होता है उसके अंदर जब वो अटैच होता है अच्छे से तो उसके बाद ये जो हार्मोन्स का सिक्रेशन धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ता जाता है ये हार्मोन चेंज होते हैं उसके कारण आपको ये मॉर्निंग सिकनेस होता है नोजिया एंड वॉमिटिंग जैसा होता है तो ये है एक फर्स्ट रीज़न उसके अलावा जो दूसरी कुछ रीजनस हम जाने तो एक एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका भी लेवल प्रेगनेंसी के अंदर इंक्रीज होता है तो एस्ट्रोजन इज ए अनदर हार्मोन दैट राइजेस ड्यूरिंग द अर्ली प्रेगनेंसी एंड कूड कॉन्ट्रीब्यूट टू द कि जो आपको मॉर्निंग सिकनेस के जो सिम्टम्स होते हैं तो उसके लिए ये भी एक रीज़न है कि एस्ट्रोजन का जो लेवल इंक्रीज होना फिर तीसरा stomach, pregnancy. Pregnancy जो है आपका सेंसेटिव स्टमक कि सेंसेटिव स्टमक कुड बी मेड वॉर्स वाइल ट्राइंग टू एडेप्ट द चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी कि प्रेगनेंसी के अंदर आपके बॉडी के अंदर जो चेंजेस वगैरह होते हैं तो वो चेंजेस को एडेप्ट करता है आपका बॉडी एंड उसके कारण जो आपका स्टमक जो सेंसिटिव है वहाँ पे डिसकम्फर्ट फील होने के कारण नोजिया एंड वॉमिटिंग होता है और चौथा एक रीज़न जो हम जाने कि जो कई बार स्ट्रेस लेवल होता है फटिक मतलब कि टेंशन होती है तो जो फ़िज़िकल रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस एंड फटिक के बारे में मतलब कि आप कोई टेंशन लेते हैं फटिक मतलब कि थकान होती है बॉडी के अंदर और वो भी नोज़िया वॉमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल बनते हैं तो ये है कोजिस कि जिसके कारण आपको मॉर्निंग सिकनेस जैसा फील होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तो उसके सिम्टम्स हम देखें तो कॉमन सिम्टम तो यही है कि आपको नोजिया एंड वॉमिटिंग होना के सबसे पहले जी मचलता है और फिर अचानक से आपको वॉमिटिंग होती है तो इट एनहस बाय द सर्टेन ऑर्डर्स लाइक स्पाइसी फूड्स हीट एंड एक्सेसिव सलाइवेसन तो कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे ऑर्डर्स तो ऑर्डर्स को हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ स्मेल कि कई बार आपको ऐसे ऑर्डर्स ऐसे कोई स्मेल तो उसके कारण तुरंत नोजिया वामिटिंग हो जाता है खाना खाते है और स्पाइसी फूड है तो उसके कारण तुरंत आपको नोजिया वामिटिंग होगा समझो कि गर्मी का माहौल है हीट है तो उसके कारण एंड एक्सेसिव सलाइवेशन के कारण तो ऑर्डर्स को हम समझे तो कई बार क्या होता है कि समझे कि आप प्रेगनेंसी के दौरान खाना बनाते हैं तो उसके समय किचन में समझे कि आप कोई चीज़ फ्राई करते हैं जो भी कुछ खाना बनाए तो उसके वक्त जो स्मेल प्रोड्यूस होती है आपके किचन के अंदर जो ऑर्डर प्रोड्यूस होते हैं तो उसके कारण तुरंत आपको ऐसा फील होता है नोजिया जैसा और फिर वॉमिटिंग भी होती है तो ये एक सिम्टम डेवलप होता है मॉर्निंग सिकनेस के अंदर और वो एक सिम्टम बनता है आपकी प्रेगनेंसी का भी सेकंड है कि मॉर्निंग सिकनेस इज़ द मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमिस्टर एंड यूजली बिगन्स बाय नाइन वीक्स आफ्टर कंसेप्सन तो जो फर्स्ट ट्राइमिस्टर जो हम कहते हैं तो ये फर्स्ट ट्राइमिस्टर के अंदर ये मॉर्निंग सिकनेस जो है वो मोस्ट कॉमन रहता है एंड while इन सम cases it इज स्टार्ट from फोर्थ वीक ऑफ द pregnancy एंड कंटिन्यू टिल 16 वीक और और मोर तो कई बार मॉर्निंग सिकनेस जो है वो फोर्थ वीक से स्टार्ट होता है और सिक्सटीन वीक तक या फिर उससे भी ज़्यादा समय तक ये चलता है तो पर्सन टू पर्सन वो वेरी करता है बट यूजअली फोर से सिक्सटीन वीक के दरमियान वो कॉमन रहता है तो ये था मॉर्निंग सिकनेस के सिम्टम्स अब जानते हैं उसके मेडिसिन मतलब कि किस तरह से उसका ट्रीटमेंट कर सकते किस तरह से उसका इलाज कर सकते हैं तो यहाँ पे समझिए मेडिसिनस के बारे में तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है दैट इज़ विटामिन बी सिक्स सप्लीमेंट्स विटामिन बी सिक्स की जिसको हम कहते हैं पायरीडॉक्सिन तो पायरीडोक्सिन के जो सप्लीमेंट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एंड फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट बनते हैं मॉर्निंग सिकनेस के अंदर की जो फर्स्ट चॉइस हम कहे तो दैट इज विटामिन बी सिक्स की ये आपके लिए रहेगा फर्स्ट चॉइस या फिर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो हम कहे मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एज वेल एज एंड वॉमिटिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तो ये है विटामिन बी सिक्स सप्लीमेंटेशन उसके साथ, साथ जो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास दैट इज डॉक्लामाइन सक्सीनेट कि जो एंटी के तौर पर काम करता है कि एंटी ड्यूरिंग द मॉर्निंग सिकनेस और एंटीमेटिक्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कि समझो कि आप सर्च करते कि सबसे सेफ एंटीइमेटिक कौन सा है प्रेगनेंसी के दौरान तो वो है डॉक्जिलााइन सक्सीनेट तो ड्रग ऑफ चॉइस बनेगी आपके लिए डॉक्जिलााइन एंड पायरीडॉक्सिन के विटामिन बी सिक्स एंड डॉक्जिलााइन दोनों समझो कि कॉम्बिनेशन में है तो ये कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट रहेगा और उसको ड्रग ऑफ चॉइस भी कहा जाता है कि ड्रग ऑफ चॉइस ड्यूरिंग द नोजिया एंड वामिटिंग इन प्रेगनेंसी के प्रेगनेंसी के दौरान समझो कि आपको नॉजिया एंड वॉमिटिंग है तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है तो डैट इज डॉक्लामाइन सक्सीनेट एन पायरीडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट तो उसका मार्केटेड फार्मुलेशन भी यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइड के अंदर कि डॉक्लामाइन सक्सीनेट एन पायरीडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड के ये जो टैबलेट्स देख सकते हैं और उसका जो बेस्ट यूज़ है दैट इज़ कि प्रेगनेंसी के दौरान जो होने वाले नौजे एंड वॉमिटिंग के लिए ये कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है अदर एंटीमेटिक्स शुड बी अवॉइडेड बिकॉज ऑफ द साइड इफ़ेक्ट सो दूसरे भी एंटीमेटिक्स है हमारे पास के ऑनडेन सेट्रोन है मेटाक्लोप्रामाइड है प्लोकोर और पेराजिन है बट वो आपको एवॉड करने चाहिए बिकॉज उनके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह रहते हैं तो सबसे बेस्ट और सेफ ऑप्शन जब हमारे पास अवेलेबल है तो दूसरे एंटीबेटिक्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है सो यूज़ ओनली द डॉक्सिलामाइन एंड पारीडोक्सिन कॉम्बिनेशन फॉर द बेस्ट रिजल्ट और साथ में समझो कि आपको नेचुरल रेमेडी भी करनी है तो नेचुरल रेमेडी के अंदर रहेगा ये जिंजर कि जिंजर जो हम कहते हैं कि वो इफ़ेक्टिव साबित होता है पावरफुल काफ़ी हर्बल मेडिसिन है कि जो एंटीमेटिक्स के तौर पे नेचुरल हर्ब्स के अंदर काम करता है तो ये है हमारे पास बेस्ट ऑप्शन फिर कई बार डॉक्जीलामाइन सक्सीनेट पैरिडॉक्सिन के साथ फॉलिक एसिड भी कॉम्बिनेशन में होता है तो ये दोनों कॉम्बिनेशंस जो है वो आपके लिए इफ़ेक्टिव साबित होते हैं किसी भी ब्रांड का ये कॉम्बिनेसन जो है वो यूज़ किया जाता है प्रिस्क्राइब किया जाता है बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टू ट्रीट द नोजियान वॉमिटिंग फिर बात आती है नेचुरल रेमेडीज़ की तो नेचुरल एंड होम रेमेडीज़ की समझो कि हम बात करें कि मॉर्निंग सिकनेस के लिए होम और नेचुरल रेमेडीज़ आप कौन से ट्राई कर सकते हैं तो सबसे पहला तो यही है कि अवॉइड द फूड एंड स्मेल दैट ट्रिगर योर नोजिया कि ऐसे स्मेल या फिर ऐसे ऑर्डर्स से आप दूर रहे कि जिसके कारण आपको नोज़िया फ़ील होता है मतलब कि समझो कि आप किचन के अंदर खाना बना रहे हैं और उस वक्त समझो कि ऐसे स्मेल प्रोड्यूस होती है ऐसे ऑर्डर प्रोड्यूस होते हैं फूड के कारण कि समझो कि आप खाना बनाते वक्त फ्राई करते हैं तो उसकी जो स्मेल प्रोड्यूस होती है उसका जो ऑर्डर है उसके कारण समझो कि आपको नोज़िया वॉमिटिंग होता है तो उससे आपको दूर रहना चाहिए दूसरी बात है कि कुछ ऐसे फूड भी होते हैं जिसके कारण आपको नोजिया वॉमिटिंग होती है तो उनसे भी दूर रहे फिर ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट कि इफ़ पॉसिबल सम वन अदर प्रिपेयर फूड फॉर यू पॉसिबल हो तो प्रेग्नेंसी के दौरान कोई और आपके लिए खाना बनाए वो सबसे बेस्ट रहेगा एंड यू कैन ईट इट अवे फ्रॉम द किचन सो यू कैन एलिमिनेट द स्मेल एंड ऑर्डर विच ट्रिगर योर नोजिया सो so किचन के अंदर जाने से या फिर उसके अंदर समझो कि आप कुछ भी प्रिपेयर करते हैं तो उसके कारण जो उसके स्मेल के कारण आपको नोजिया वॉमिटिंग वगैरह फील हो रहा है तो बेटर है कि आप उससे दूर रहें कोई और आपके लिए खाना बनाए और वो जो है आप खाएं तो देट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर एलिमिनेट द नोज़िया इन वोमिटिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट प्राइम ऑफ़ ए प्रेगनेंसी अलो सम टाइम फॉर द डाइजेसन एंड रॉइस स्लोली वंस यू आर रेडी कि यहाँ पर क्या है कि डाइजेसन के लिए प्रॉपर आप टाइम दीजिए मतलब कि खाने की जो फ्रिक्वेंसी है तो वो उनके बीच में आप थोड़ा टाइम रखें अलो समाइम फॉर डाइजेसन कि खाने को अच्छे से उसका पाचन हो सके डाइजेस्ट हो सके उसके लिए आप प्रॉपर टाइम दीजिए तो उससे भी क्या होगा कि खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा सेकेंड है कि ईटिंग स्मॉलर मील्स मोर फ्रीक्वेंटली थ्रू आउट द डे इंस्टेड ऑफ थ्री बिग मील्स सम मतलब कि समझे कि आप दिन में तीन ऐसे मील लेते हैं और ये तीनों जो है वो काफ़ी बिग मील है बिग मील का मतलब ये होता है कि आप काफ़ी सारा खाना ये तीन स्टेप में लेते हैं कि समझे कि आप मॉर्निंग में आ हैवी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फिर आफ्टरनून के अंदर आप लंच लेते हैं एंड रात को आप जो है वो डिनर ले रहे हैं तो ये तीन आपने हैवी मील्स ले लिए कि मॉर्निंग के अंदर भी हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया फिर लंच के अंदर भी काफ़ी हैवी लंच कर लेती है और सेम रिपीट फॉर द डिनर तो उसके बजाय आप क्या कर सकते हैं कि ईटिंग स्मॉलर मतलब कि मॉर्निंग के अंदर जो आप ब्रेकफास्ट लेते हैं उसके भी दो पार्टीशन कर लीजिए कि उसको कि जो एक टाइम में आप फुल जो मील लेते थे या फिर फुल ब्रेकफास्ट लेते थे उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए कि आधा समझो कि आप मॉर्निंग में आठ बजे खाते हैं तो दूसरा जो है वो आप दस बजे लीजिए तो क्या हुआ एक ही टाइम को कि समझो कि आप नौ बजे फुल मील ले लेते ले थे या फिर फुल ब्रेकफास्ट आप नौ बजे लेते थे उसके बजाय सुबह एक घंटा पहले आठ बजे आप थोड़ा हाफ़ ले, ले लीजिए एंड दूसरा हाफ जो है वो आप 10 बजे लीजिए सेम लाइक दैट समझे कि आप 12 बजे या एक बजे लंच लेते थे तो उसके बजाय आप उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए कि आप समझो कि थोड़ा सा बारह बजे खाते और फिर से दो बजे फिर से आप थोड़ा और खा लेते हैं उसी तरह से डिनर के अंदर भी आप कर सकते कि एक डिनर समझो कि आप सात बजे ले लेते हैं और दूसरा डिनर रात को नौ बजे तो उस तरह से क्या होगा कि ये तीन अपने बिगर मिल लिए उसके कंपेयर में आप छोटे छोटे टोटल सिक्स मील ले सकते हैं तो उससे क्या होगा कि आप जब थोड़ा थोड़ा खाते हैं तो उससे प्रॉपर डाइजेशन भी होता है और नोजिया वॉमिटिंग भी कम होगी सो टेक फाइव टू सिक्स स्मॉलर मील इन प्लेस ऑफ टू टू थ्री बिग मील कि दो या तीन बार आप काफ़ी हैवी खाएँ उससे बेटर है कि पाँच से छः बार जो है वो थोड़ा थोड़ा करके खाएं और लास्ट जो टिप्स है उसके अंदर नेचुरल है रेमेडीज के अंदर तो ड्रिंकिंग लेस वाटर और फ्लूड विथ योर मील एंड इंस्टेड ड्रिंक देम बिटवीन द मील मतलब कि आप जो है वो खाना खाते वक्त जो है वो कम पानी पीजिए तो यूजुअली क्या कर सकते है? खाना खाने के बाद आप पानी लीजिए तो वो बेटर रहेगा या फिर आपके दो मील है तो उन दोनों के बीच में आप पानी पीजिए तो उससे क्या होगा कि नोजिया वॉमिटिंग कम होगा तो ये था हमारा स्पेशल लेक्चर सो हैप्पी प्रेगनेंसी एंड मॉम टू बी देर इज़ नो बेटर फीलिंग देन द मोमेंट ऑफ योर लाइफ इन साइड द यू सो हैप्पीनेस इज़ कैरिंग ए होल वर्ल्ड इन साइड द यू हैप्पी प्रेगनेंसी फ्रॉम फार्मारॉक्स गेट अवर लेक्चर नोट्स पी पी टी एंड पी डी एफ एन एंड फार्मारॉक्स एप एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप सब्सक्राइब करिए चैनल एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन एफ फार्मर ऑक्स गुड लग एंड ऑल द बेस्ट